पलास, आम, पीपल, शमी, अपागागी, है, गुलर, दूव, अक, इन सबको पवित्र माना जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, तिल, जौ, घी, मेवा, इन सबसे यज्ञ करते हैं। जब हवन करते हैं क्यों? भलाई चाहते हैं, संसार के कल्याण के लिए। पानी बारिश नहीं होगी तो हवन करेंगे, घर में प्रवेश करेंगे तो हवन करेंगे, लेकिन आज हम कुछ नया हवन करते हैं, अध्यात्म हवन करें। जो जौ है, जो लंबे हैं, नुकीले हैं, ये हमारे तन का प्रतीक है, उसके अंदर बीज है, उन पर परत चढ़ी है, और जो तिल हैं वो सूक्ष्म हैं, हमारे मन का प्रतीक है, और घी जो शुद्धि का प्रतीक है, हमारे धन का प्रतीक है। तन, मन और धन, तन जौ, मन तिल और धन घी। तो संसार में आज अशुद्धि फैली है तो वो यज्ञ से अब काम नहीं होगा, अब हमें अध्यात्म यज्ञ करना होगा। एक शांति कुंड बनाते हैं, उसमें संबंध संपर्क की लकड़ी डालें, काम विकार का तिल डालें, क्रोध की जौ डालें, लोभ के चावल डालें, मोह की शक्कर डालें, अहंकार का घी डालें और आलस्य की मेवा डालें, तृष्णा की धूप डालें और परमात्म याद की अग्नि फिर उसमें सब विकारों को स्वाहा कर दे। ऐसे यज्ञ को भगवान शिव ने ब्रह्मा के द्वारा करवाया। सृष्टि रच कर प्रजापिता ने सबसे कहा कर्म करने को, और ना समझने के कारण द्वापर से स्थूल रूप दे दिया गया।